हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अभी सब सभी अपने भाई जो इलेक्ट्रिकल में रुचि रखते हैं, इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट रखते हैं, ये बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है दोस्तों उनके लिए, जो कि ड्राइंग सीखने के शौकीन हैं, जिनको बहुत ज़्यादा शौक है ड्राइंग सीखने का, क्रेज़ी है। मेरे पास बहुत कमेंट भी आई भाई, बहुत दोस्तों ने भी पूछा भाई ड्राइंग कैसे पढ़ी जाती है, कैसे ड्राइंग के हिसाब से काम किया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने ड्राइंग लाया हूँ पीडीएफ फाइल में, बहुत ही बेस्ट है दोस्तों। और एक एक चीज़ बताऊँगा आपको कि ड्राइंग कैसे देखी जाती है, ड्राइंग में किस किस तरीके के पॉइंट होते हैं, जो पॉइंट होते हैं उनके सिंबल कैसे होते हैं, सिंबल को कैसे हम रीड करते हैं, तो सभी कुछ बताने वाला हूँ आपको बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, ये है मेरे पास पीडीएफ फाइल एक ड्राइंग की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये वाली जो ड्राइंग है, ये वाली ड्राइंग है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास दो तरीके की ड्राइंग है, एक लाइटिंग की, दूसरी उसकी स्विच सॉकेट की, जो पावर की होती है। अभी लाइटिंग के बारे में समझा रहा हूँ मैं आपको इस ड्राइंग में। तो दोस्तों, ये हमारी ड्राइंग है, अभी मैं इसको जूम कर लेता हूँ। देखो दोस्तों, ये जो है एक हॉस्पिटल है दोस्तों। तो हॉस्पिटल में टोटल कितने रूम, ऑपरेशन रूम जितने भी होते हैं, ड्रेसिंग रूम, स्टाफ रूम, सभी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे लाइटिंग का हम, टॉयलेट वगैरह सब है इसमें, लाइटिंग को कैसे समझेंगे, कौन सी लाइट किस रूम में कितनी लाइट, ये कोड दोस्तों ड्राइंग के अंदर सबसे मेन चीज़ कोड होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अभी मैं बताने वाला हूँ। तो ड्राइंग आपको हाथ में लेने से पहले, सीधी ड्राइंग पकड़ने के बाद सबसे पहले आपको इसके सिंबल पे ध्यान डाल नज़र डालनी होती है। तो देखो दोस्तों, ये है इसके सिंबल, ये इसके सिंबल है। अभी ये ऊपर इसके एमसीबी के बारे में बताया, कितने एम्पियर की लगेगी, ठीक है, उसमें वायर कितने एम्पियर की लगेगी। तो अभी हम इसके सिंबल देखते हैं। पहले ये सबसे ऊपर वाला सिंबल है दोस्तों, वन वे स्विच बोर्ड, 1200 mm की हाइट पे लगेगा, हाइट भी बताते हैं दोस्तों इसमें, ठीक है, ये है सिंबल इसका। और दूसरे नंबर पे है 1 × 18, जो जो एलईडी सरफेस लाइट होती है दोस्तों, जो हॉस्पिटल में आपने देखी होगी, ये वाली, ये उस लाइट का सिंबल है। ये बहुत तरीके की लाइट लगती है दोस्तों एक हॉस्पिटल में, ये घर में तो सिर्फ दो चार तरीके की लाइट लगती है, लेकिन हॉस्पिटल में इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। ये तीसरे नंबर पे है इमरजेंसी कंट्रोल एलईडी सरफेस लाइट, जो इमरजेंसी कंट्रोल की है और 10 वाट की है, एक एक जो है 10 वाट की है, रिसेज लाइट, फिर रिसेज लाइट इमरजेंसी कंट्रोल, 18 वाट की सीलिंग, जो सीलिंग में रिसेज लाइट होती है, फिर 18 वाट की है, ये इमरजेंसी लाइट है, 70 वाट एलईडी सीलिंग लाइट, जो 70 वाट की है, ये एलईडी सीलिंग लाइट है जो दोस्तों जो सीलिंग में लगेगी, और 70 वाट की एलईडी सीलिंग लाइट इमरजेंसी कंट्रोल, एक 70 वाट की इमरजेंसी कंट्रोल की होगी दोस्तों। फिर एक ये ट्यूब, ट्यूब की तरीके से आ गई दोस्तों, ये लंबी वाली जो है, ये ट्वेंटी यानी 20 वाट की सीलिंग लाइट इमरजेंसी है, जिस पे दोस्तों सिंबल पे रेड कलर बन रहा है, वो इमरजेंसी लाइट है दोस्तों, है ना। और ये वाली फिर जिसपे हल्का ये पर्पल लाइट, इससे थोड़ा नीचे है रेड वाले से, ये वाली सिंपल लाइट है दोस्तों। फिर वॉल लाइट है जो दीवार पे लगेगी दोस्तों, ये ई बना हुआ है इस पर, ई ये इमरजेंसी है यानी इमरजेंसी ई। फिर वॉल लाइट ये नॉर्मल है, ये 20 वाट की। फिर 36 वाट अप एंड डाउन बेड हेड लाइट, यानी अप एंड डाउन जो बेड हेड, ये 36 वाट की है दोस्तों। और ग्रिड पैनल लाइट 29 वाट, ये उसका सिंबल है। आपको कुछ नहीं लेना, आपको बस सिर्फ सिंबल देखने हैं, सिंबल के हिसाब से आपको वही लाइट वहाँ पे लगानी है। वायरिंग की भी मैं बताऊँगा इसमें, वायरिंग की हो गई, पाइपिंग की ड्राइंग अलग थी और वायरिंग की अलग थी, ये सब ये स्टेम पावर और इसकी है लाइटिंग की है। और सीलिंग फ़ैन का दोस्तों, ये सीलिंग फ़ैन का इसमें सिंबल है, मास्टर एलईडी ट्यूब लाइट 20 वाट,
ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो दोस्तों, जो हम ना MCB बॉक्स बोलते हैं उसको, ये उसका सिंबल है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का। तो अभी देखते हैं हम, अभी चलते हैं, अभी और देते हैं दोस्तों ड्राइंग की साइड में, इसमें पूरा मेंशन करते हैं किस साइज़ का, कौन सी हाइट पे, कहाँ कितने कितने पॉइंट है, सब बता देंगे। देखो ये है नंबर EA1, यानी ये नाम है उसका जहाँ आपको इसे दूसरी जगह इंस्टॉल करना है। ये EA1, ये आपको याद करना पड़ेगा, नाम हो गया EA1, 6 एम्पियर, 1.5 केबल साइज जो है 1.5 mm है, ठीक है दोस्तों। और 10 नंबर ये 10 लगेंगे, यानी ये 10 आपको पूरे 10 लगाने हैं एक उसमें, एक रूम में जहाँ भी है EA1। अभी चलते हैं देखते हैं EA1 कहाँ पे है। तो आपको EA1 याद रखना है दोस्तों, ये EA4, ठीक है दोस्तों। अभी हमको सर्च करना है इसमें EA1, EA5, अभी थोड़ा मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ। बस आपको सिंबल पे ध्यान देना है, सिंबल के बाद आपको फिर वही सिंबल उसमें तलाश करना है, यानी एड्रेस एक तरीके का सिंबल। ये रहा दोस्तों EA1, ये आया दोस्तों EA1, ये हमारा स्टेयर है, जीना है EA1 एक एरिया। अब देखो दोस्तों सिंबल क्या है, ये सिंबल कहाँ का है, ये क्या है EA1, उसने बताया 1.5 एम्पियर, ठीक है दोस्तों, और 10 पॉइंट है ये। अब ये वाला सिंबल आपको ध्यान रखना है ये क्या है, ठीक है दोस्तों। अभी हम चलते हैं सिंबल के पास, तो दोस्तों ये है वो EA1, ये जो है ये है इमरजेंसी लाइट 18 वाट। तो इसको, इसमें आपको 1.5 mm की वायर चाहिए, ठीक है, ऑन सीलिंग, ये ऊपर है सीलिंग, ऑन सीलिंग इमरजेंसी कंट्रोल। तो EA1 आपको यहाँ पे, कहाँ गया वो जीना, ये दोस्तों एक यहाँ पे हो गई EA1। यहाँ से दोस्तों ये वाला देखो, इसमें ये सिंबल किस चीज़ का है, जो जिस C2 के बराबर में है, ये किस चीज़ का सिंबल है, इसको ध्यान देना है। अब आपको जाना है सिंबल में, एक दो बार दोस्तों आप देख लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, फिर इतना बड़ा इश्यू नहीं है ड्राइंग समझना। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये हॉस्पिटल की ड्राइंग है दोस्तों, घर वगैरह की जो होती है बिल्डिंग लाइन की बहुत इजी होती है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप ये सीख गए तो कोई भी ड्राइंग सीख सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गई अप, ये अप है, ये डाउन है स्टेयर का, नीचे वाला अप, ऊपर वाला डाउन दोस्तों। ये हो गई इमरजेंसी, और इसी के नीचे में साइड में हो गई ये सिंपल लाइट जो इमरजेंसी नहीं है। तो दोनों का ये स्विच का सिंबल है इधर, ये स्विच दोनों का यहाँ पे दे दिया। तो अब दूसरा देखते हैं हम, दूसरा क्या है, ऐसे शायद आपको समझ में ना आए, मैं एक रूम से ले लेता हूँ आपको, ये कौन सा रूम है, अभी सिंपल सा ये है लेबर रूम दोस्तों, ये लेबर रूम है पूरा, इसके बारे में समझाता हूँ मैं आपको, अगर आपने एक समझ लिया तो फिर पूरा समझ जाएगा आप। ये लेबर रूम है दोस्तों, शायद आपको दिख रहा हो नीचे लिखा हुआ लेबर रूम, ठीक है दोस्तों। लेबर रूम में क्या क्या है अभी बताता हूँ आपको। ये EB2 है, EB2, और सबसे पहले देखते हैं सिंबल, ये सिंबल किस चीज़ का है, ये रेड वाला ये किस चीज़ का सिंबल है। लेबर रूम में देखते हैं सिंबल ये किस चीज़ का है, ये दोस्तों ग्रिड पैनल लाइट 29 वाट, ठीक है दोस्तों, ये इमरजेंसी है, और इसी के जस्ट ऊपर ये नॉर्मल है। तो ये कितनी है लेबर रूम में देखते हैं, ये है, इसका नाम याद रखना ग्रिड पैनल लाइट 29 वाट की जो लाइट है वो कितनी लग रही है इसमें, अभी देखते हैं दोस्तों। कहाँ गया लेबर रूम, ये एरिया लेबर रूम जस्ट बराबर में दोस्तों। अगर आप एक समझ गए एक रूम तो फिर आप पूरा समझ जाएंगे। तो देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 6
तो दोस्तों 6 लाइट है सिंपल, 7 है दोस्तों, 7 लाइट सिंपल है, 2 इमरजेंसी है। ये इमरजेंसी इधर कोने में है, इमरजेंसी इधर कोने में है, ई लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत तो आप समझ जाओगे खुद ही। तो ये 7 सिंपल लाइट है, और हर लाइट में से दोस्तों वायर देखो D3, ये D3 है दोस्तों। अभी D3 आपको समझ रहे होगे D3 क्या है। अभी हम D3 देखने के लिए फिर हम जाएंगे उधर अपना जहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने फुल डिटेल। अभी हम D3 देखेंगे, ये तो EB2 है, ये C है, C के बाद में D। तो दोस्तों D3 था उसमें, तो D3 यहाँ पे देखो आप, ये D3 है, 6 एम्पियर, केबल साइज 1.5 mm, 0.10, ये क्लीनिंग रूम एंड लेबर रूम। देखो दोस्तों यहाँ पे भी बता दिया उन्होंने क्लीनिंग रूम और लेबर रूम, और इसमें 3 फेज़ का हिसाब दे रखा है, रेड RYB, रेड येलो ब्लू, 257 आप उसको, इसको येलो फेज़ देंगे दोस्तों हम इसमें, ठीक है दोस्तों। इसमें पूरा मेंशन कर दिया है कि कौन कौन सी वायर इसमें डलेगी, कितने mm की, कितने पीस है, और कौन सा फेस उसमें आएगा, आपको येलो फेस लाना है इसमें, ठीक है दोस्तों। ये देखो येलो फेस है D3 में, ठीक है। अभी किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा फेस लोड कैसे बांटते हैं 3 फेस का, ठीक है दोस्तों। अब फिर आ गए हम D3 पे, पूरी डिटेल मिल गई आपको। लेबर रूम किधर है भाई, अभी तो इधर ही था। हाँ दोस्तों ये रहा लेबर रूम। तो 7 लाइट हो गई नॉर्मल, 2 इमरजेंसी, सभी की उसमें ये लाइट हो गई, और ये EB2 है। EB2 भी इसमें क्या है, ये भी देखते हैं EB2 क्या है, ठीक है दोस्तों। EB2 चलते हैं, EB2 ध्यान रखना, ये इस रूम में क्यों दिया है EB2, ये भी देखो भाई अभी बताएंगे। ये आ गया EB2, ये है दोस्तों 6 एम्पियर, 1.5 mm की वायर, लेबर रूम ये बता दिया इसमें, NICU 228, हाँ 228 वाट है इस पर टोटल। और ये सिंबल किस चीज़ का है, सिंबल भी देखते हैं दोस्तों। EB2 कहाँ है, एरिया सिंबल किस चीज़ का है, ये सिंबल पे चलते हैं दोस्तों, सिंबल देखो एरिया EB2, सीलिंग रिसेज लाइट इमरजेंसी, और इसी के जस्ट ऊपर ये कलर है बस, रेड कलर की इमरजेंसी वो वाली नॉर्मल, ये है ऑन सीलिंग फॉल्स सीलिंग, जो ऊपर से लाइट लगती है सीलिंग में वो वाली है दोस्तों। तो दोस्तों कितनी लाइट हो गई, ये 7 लाइट ये वाली होगी नॉर्मल, फिर 2 लाइट ये बड़ी वाली इमरजेंसी की ये भी, और फिर 2 लाइट इसमें ये है EB2 वाली, और सभी को हम कहाँ ले आए, अपने बोर्ड पर। ये बोर्ड है दोस्तों, उसमें D3 का पूरा डिटेल दे रखी है, ये बोर्ड है, और इसी की सबकी सेपरेट देखो, सब सब लाइट पे से डायरेक्ट। अब लाइट के इसके वायरिंग के कनेक्शन शायद मैं आपको दूसरी ड्राइंग में समझाऊँ, इसमें थोड़ा फिर लंबी ड्राइंग हो जाएगी है। अभी मैं सिर्फ सिर्फ आपको बताना चाह रहा था कि कैसे हम देखते हैं ड्राइंग, सिर्फ बता रहा था कि कैसे देखते हैं ड्राइंग, कैसे समझते हैं। अभी इसमें टोटल मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी, ये सारे वायरिंग के कनेक्शन सारे, इतना तो आपको शायद मालूम हो, जिस भाई को मालूम नहीं उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें पंखा जो सीलिंग फ़ैन, उसका भी सिंबल है आपको दिख रहा होगा, 3 है, 1 2 3, ये 3 इसमें पंखे है, तीनों जस्ट, और पंखों की बराबर में पंखे का अलग वायर गई है दोस्तों, इसमें देखो इसमें स्विच बोर्ड में पंखे की अलग गई है डायरेक्ट सेपरेट, और लाइट की इसने 2 लाइट की एक एक करके दी है, 2 लाइट से एक एक करके, देखो इस वाली नॉर्मल लाइट की इसकी सेपरेट गई है शायद, हाँ नहीं नहीं एक एक करके गई है, इमरजेंसी की दोनों सेपरेट गई है। कनेक्शन तो शायद आपको मालूम है, मैं फुल डिटेल वायरिंग की इंशाल्लाह दूसरी ड्राइंग में बताऊंगा, अभी मैं लाइटिंग बता रहा हूँ कि कैसे आप समझेंगे कि कौन सी लाइट किस रूम में है, या कौन कौन सी लाइट है, कितनी लाइट लगेगी, हैं कितने, टोटल डिटेल बता रहा हूँ आपको मैं अभी। फिर दोस्तों अभी दूसरा रूम देखते हैं, और इसी में ही दोस्तों एक ये है क्लीनिंग रूम, क्लीनिंग रूम में भी एक इन्होंने पॉइंट दे रखा है दोस्तों, वो भी आप डायरेक्ट जाके सिंबल में देख सकते हैं। अभी देखते हैं कोई, ये है डॉक्टर रूम, ठीक है दोस्तों, ये डॉक्टर रूम को देखते हैं।
डॉक्टर रूम देखो दोस्तों, ये छोटा है, इसमें आप जल्दी समझ जाएंगे। डॉक्टर रूम है, इसमें एक बीच में फैन है, पंखा, चार कोनों में लाइट है, चार लाइटों में तीन नॉर्मल है, एक इमरजेंसी है EB3, ठीक है। D7 दे रखा है स्विच बोर्ड पे, ये D7 क्या है इसको भी देखते हैं। ड्राइंग से दोस्तों काम और आसान हो जाता है दोस्तों। D7 था ना, हाँ D7 है, 6 एम्पियर, इसमें MCB रेटिंग 6 एम्पियर और 1.5 mm ये इसकी वायर की वो है कैपेसिटी, लो बी वेटिंग। D7 नहीं, डॉक्टर रूम, हाँ D7 6 एम्पियर और 14 नंबर इसके 14 पॉइंट हमको इसके लगाने हैं 14, और 263 इस पर लोड है रेड वाला, 263 वाट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं, और कहाँ है डॉक्टर रूम अभी देखते हैं। डॉक्टर रूम सिंबल तो आपको मालूम ही है, अगर नहीं मालूम तो फिर आपको वहीं जाना है सिंबल में, और आप चेक कर सकते हैं कौन से कितने वाट की लाइट इसमें मांग रहा है, कौन सी कितनी तार इसमें मांग रहा है। तो ठीक है दोस्तों, इन दोनों लाइट की तार हमने आपस में ज्वाइंट करके इसमें डाल दी, वो वायरिंग में सब समझ जाते हैं दोस्त। फिर इमरजेंसी लाइट, फिर जस्ट बराबर में टॉयलेट है, टॉयलेट में देखो दोस्तों ये बीच में क्या है, ये सिंबल किस चीज़ का है। फिर हम चलते हैं इधर सिंबल पे, थोड़ी आवाज़ में दिक्कत है दोस्तों, अभी मैं जल्दी जल्दी में सोचा नहीं था कि वीडियो बनाऊं, अभी आवाज़ में दिक्कत है उसके लिए सॉरी। तो ये सिंबल है दोस्तों सरफेस लाइट, सरफेस लाइट है दोस्तों, ये सरफेस लाइट है, कहाँ गया, हाँ तो दोस्तों देखो ये सिंबल है, किस चीज़ का सिंबल है ये हमने चेक कर लिया, सरफेस लाइट 18 वाट की है। और डॉक्टर रूम में हमको ये डॉक्टर रूम की जस्ट साइड में एक टॉयलेट था, कहाँ गया डॉक्टर, हाँ ये रहा, ये 18 वाट की। और D7 क्या है, D7 भी अभी देखते हैं हम, MCB टाइप क्या है इसका, D7 वही डॉक्टर रूम, ये इसका अभी मैंने बता दिया था आपको, वही है जो उसके रूम में था, वही टॉयलेट में मतलब। फिर दोस्तों लिफ्ट है, इसी तरीके से इसमें सब कोड होते हैं दोस्तों, एक तरीके का नाम होता है दोस्तों, ये रिकवरी है, ये टॉयलेट है, सेम इन प्रोसेस। ये हॉस्पिटल की ड्राइंग है दोस्तों, ये लैब है, ये वाली लैब है, लैब में भी वही सब में वही है दोस्तों, उसी तरीके की लाइट। ये बीच में क्या है, ये वेटिंग लॉन्ज है दोस्तों, वेटिंग लॉन्ज, हाँ दोस्तों वेटिंग लॉन्ज जो लंबी होती है हॉस्पिटल में, वेटिंग लॉन्ज है। इसमें भी दो पंखे हैं, एक बीच में इमरजेंसी लाइट है, फिर साइडों में एक ये चेयर पड़ी हुई है, ठीक है दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे। अभी मैं दूसरी इसकी पावर की सॉकेट की वो बताऊंगा दोस्तों आपको, उसकी फुल डिटेल बताऊंगा। ये काफ़ी बड़ा दोस्तों हॉस्पिटल था, अभी इसकी मैं इसकी पावर की बताऊंगा, स्विच सॉकेट। अभी ये लाइटिंग की थी, शायद आप समझ गए होंगे कि कौन से रूम में कैसे पहचाने कौन सी लाइट लगेगी, कौन कितने वाट की लगेगी, वो सब दोस्तों सब इंजीनियर आपको ड्राइंग दे देता है, आपको और हल्का हो जाता है और इजी हो जाता है काम करना जब आपको मालूम हो गया लिखित में सब। तो ड्राइंग के साथ अगर आपके हाथ में ड्राइंग होगी तो आपको और आसान हो जाएगा काम करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।